आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दीपोत्सव को देखते हुए आगरा की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कोई शरारती तत्व दीपावली पर खलल पैदा ना कर सके, इसके लिए पुलिस ने कई इंतजाम किए हैं। प्रमुख लोगों से मिलकर गलियों तक पुलिस की टीमें गश्त करने के लिए तैयार की गई हैं। दीपोत्सव पर कोई शरारती तत्व किसी गड़बड़ी को अंजाम ना दे सके, त्यौहार की खुशियों में कोई खलल पैदा ना कर सके, इसके लिए पुलिस ने तगड़े इंतजाम किए हैं। शहर की सड़कों से लेकर गांव की पगडंडियों और गलियों में गश्त के इंतजाम आगरा पुलिस के द्वारा किए गए। पुलिस ने साफ कर दिया है, यदि किसी भी व्यक्ति ने त्यौहार के मौके पर खलल पैदा करने की कोशिश की, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट सीजन शुरू हो रहा है, जो अब धनतेरस से शुरू हुआ 2 तारीख से और छठ पूजा तक चलेगा। भीड़ बहुत रहेगी बाजारों में और लोग खरीदारी करेंगे, बिक्री भी बहुत होती है, खुशी का माहौल है। और सबसे अच्छी बात यह है, कोरोना भी खत्म हो गया है तो इस समय लोग उत्साहित भी हैं। हमारे द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो सुरक्षा व्यवस्था पूर्ववर्ती सुरक्षा व्यवस्था की जो ड्यूटी थी उन्हें हमने लगाया, लेकिन वर्तमान में जो शहर में काम चल रहा है, मेट्रो बन रही है और भी काम चल रहे हैं विकास के, उनको दृष्टिगत रखते हुए उसे उन ड्यूटीज़ को रीअरेंज किया गया है ताकि ट्रैफिक व्यवस्था हमारी दुरुस्त रहे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने जो टू व्हीलर्स की जो मोबाइल पार्टी है, क्योंकि टू व्हीलर्स की मोबाइल पार्टी शहर के अंदर बहुत इफेक्टिव रहती है, फोर व्हीलर अंदर जाता नहीं, मोबाइल पार्टियां बनाई गई हैं। जो चेकिंग पार्टी है वो बनाई गई हैं, फिक्स पिकेट्स बनाए गए हैं और जो बैरियर लगा के जो ड्यूटीज़ हैं, ट्रैफिक ड्यूटीज़ वो लगाई गई हैं और कुछ उसमें एड ऑन किया पिछली बार से, और निश्चित रूप से बेहतर जो सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था इस बार रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।